फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। अगर वो समाजवादी पार्टी अपनी 3 सीटें बचा लेती तो समझो उनकी एक बड़ी जीत है, वरना वो 3 सीटें भी बचने वाली नहीं। अगर उनके फ़ोन नहीं उठाएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन होगा। ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पर निर्णय लेने का काम। बसपा भी परिवारवाद की राह पे चल रही है। फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवारवाद है जिसके इर्द गिर्द पार्टी नाचती है, पार्टी को नचाने का काम करते हैं। पार्टी को अपने परिवार के इर्द गिर्द नचाने का काम कर रहा है वो राजशाही है, वो पार्टी नहीं, वो लोकतंत्र शाही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन सारा निर्णय लेने का काम सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ही करते हैं। गेंद आपके पाले में नहीं जा रही है वहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही 3 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया। को सदन में बोला जाता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है सदन से, तो विपक्ष बातें भी करता है और सदन में टिकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं, हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, लगातार समाजवादी पार्टी घोषित उपचुनाव को लेकर और लोक जागरण का अभियान की शुरुआत की है, लगातार वो कह रहे हैं कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे, कैसे देखते हैं सर इसे आप? देखिए, खुद 3 सीटें हैं, 5 जीते थे, 2 बीच में हार गए लोकसभा की, और ये केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। नेशनल लेवल पे जो है मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश में अगर 3 सीटें जो लोकसभा की हैं समाजवादी के पास, अगर वो समाजवादी पार्टी अपनी 3 सीटें बचा लेती तो समझो उनकी एक बड़ी जीत है, वरना वो 3 सीटें भी बचने वाली नहीं है। बात की जाए अगर ब्रजेश पाठक की और कौशल किशोर की, ये दो चेहरे ऐसे हैं जो विवादित नहीं रहते हैं, हमेशा से सरकार के खिलाफ भी जाते हैं, अगर अधिकारी फ़ोन नहीं करते हैं और फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप लोग इस पर आवाज़ भी उठाते हैं। क्या अब आपका फ़ोन अधिकारी उठा रहे हैं सर? हाँ उठा रहे हैं, एक अधिकारी नहीं उठा रहे थे, उनकी मैंने इस बात की शिकायत दर्ज की थी और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान भी लिया है। ऐसे जो भी अधिकारी हैं अगर वो फ़ोन हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पार्टी का हो या कोई दूसरी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, अगर उनके फ़ोन नहीं उठाएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन होगा। ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पर निर्णय लेने का काम किया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग हमेशा से परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, बसपा भी करती थी, लेकिन अब बसपा भी परिवारवाद की राह पे चल रही है, आकाश आनंद जी को आगे कर दिया है मायावती जी ने। देखिए, किसी व्यक्ति के नाम पर पार्टी चलाना वो परिवारवाद है। तो मुलायम सिंह जी, फिर अखिलेश जी, लालू यादव जी, फिर उनके लड़के, या नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवारवाद है जिसके इर्द गिर्द पार्टी नाचती है, पार्टी को नचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है, जो भी अगर कर रहा है पार्टी को अपने परिवार के इर्द गिर्द नचाने का काम कर रहा है, वो राजशाही है, वो पार्टी नहीं, वो लोकतंत्र शाही नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी में, जैसे कि आप देखें कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन सारा निर्णय लेने का काम सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ही करते हैं। यहाँ तक कि जब वो INDIA का उनको क्लेरिफिकेशन करना था, वो भी राहुल गांधी जी ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नहीं किया। तो ये परिवारवाद है, परिवार के इशारे पर पार्टी चलाना वो नीति नहीं बन सकती, वो राष्ट्र हित में नहीं हो सकता, देश हित में नहीं हो सकता। किसी परिवार के MP MLA लोग हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन परिवार पूरी पार्टी को चलाएगा, ये जो है परिवारवाद है। घोषित उपचुनाव चर्चा में है सर, बसपा ने वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गेंद आपके पाले में नहीं जा रही है वहाँ पे, नुकसान इससे हो सकता है? अब ये उनका अपना निर्णय है, और वैसे तो उनको चुनाव नहीं लड़ाया, अलग बात है, लड़ाना चाहिए था, और बसपा ने अपना प्रत्याशी अक्सर उपचुनाव में नहीं लड़ाती है, लेकिन बसपा का वोट सपा में नहीं जाएगा, BJP को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन, जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना, उनके मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही 3 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया।
समाजवादी पार्टी ने तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के बिल फाड़ दिया था, और जब 2012 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी उस समय सपा के घोषणा पत्र में लिखा गया था कि जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट के लोगों को दलितों को जो प्रमोट किया गया उनको हम डिमोट कर देंगे, और जब वो सरकार आई तो उन्होंने डिमोट कर देने का काम किया। लाखों शेड्यूल कास्ट के लोगों को किसी इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर था उसको सिपाही बना दिया, सीओ को इंस्पेक्टर बना दिया, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया, तहसीलदार को नायब तहसीलदार कानून को बना के इस तरह जितना अपमान किया है शेड्यूल कास्ट और दलितों का समाजवादी पार्टी ने, वो मेरी समझ में कोई भी कद्दावर और ऐसा व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा वो कोई भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देगा, बल्कि वो बसपा का भी वो आदमी बीजेपी पर वोट करेगा और बीजेपी को जिताने का काम करेगा। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, आप सेंट्रल की पॉलिटिक्स करते हैं सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर मणिपुर की बात की जाती है या फिर ज्वलंत मुद्दे जो भी रहते हैं जनता से जुड़े हुए उसको सदन में बोला जाता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है सदन से, कैसे देखते हैं सर इसे आप? गलत आरोप लगा रहे हैं, लगातार हमारी सरकार कहती रही आओ चर्चा करो, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई, और यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो प्रधानमंत्री जी चीज़ें बोल रहे थे और विपक्ष कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, मणिपुर पर सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी जब बोलना शुरू किए तो मणिपुर पर उनको सुनना चाहिए था, मणिपुर सुनने के बजाय वो पहले भाग खड़े हुए। तो विपक्ष बातें भी करता है और सदन में टिकता भी नहीं है, ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी जी को हटाने की बात करते हैं, और लोगों को हक और अधिकार मोदी जी ने कितना दिया है, आवास दिए, शौचालय दिए, गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम किया, लोगों का इलाज, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, इन सारी चीज़ों का जिक्र विपक्ष नहीं करता है। विपक्ष केवल मोदी जी को हटाने का की बात करता है, इसलिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो ये सुविधाएँ मोदी जी जी द्वारा दी जा रही हैं आम जनता को, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को, इससे विपक्ष घबराया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोगों के लिए काम किया है, तमाम सारी योजनाओं को लागू किया है, ऐसे में विपक्ष डरा हुआ है और विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ मैं इरफान रिजवी, द लीडर, हिंदी।